हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? सभी को नमस्कार दोस्तों। आज घर पे मैं मैडम जी कुछ बना रही हैं, तो देखते हैं मैडम जी क्या बना रहे हैं और उनसे पूछते हैं और क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, तो लेके चलता हूँ आपको। अच्छा, ये क्या है? ये तो गुलाब की पत्ती लग रही है, तो इसका क्या होगा? इसका हम आज घर पे गुलाब जल बनाएंगे। ओके, फिर उससे क्या करोगे? ये एक फ्रेश गुलाब जल बनेगा। अच्छा जी, मार्केट में जो गुलाब जल आता है उसमें केमिकल मिक्स होता है। ओके, लेकिन इससे हम एकदम सुंदर कलरफुल और फ्रेश गुलाब जल घर पे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पत्तियों को, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा पत्तियां है, तो हम इसको सबसे पहले साफ पानी में धो लेंगे अच्छे से। ओके ओहो, ओके। तो ये हमने फूल को अच्छे ताजे पानी से धो लिया है। उसके बाद अब हमने पानी गर्म कर दिया है, तो हम इस गर्म पानी में, हल्का गर्म पानी में हम ये सारे फूलों को डाल देंगे और 4 से 5 मिनट इसको हल्की आंच में पकाएंगे। 4 से 5 मिनट इसको हमको पकाना है। उसके बाद ये ढक्कन लगा के, बिना ढक्कन के? अच्छा जी, चलो चलिए। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया, और इसमें हमने और पत्ते इसमें ऐड किया ना? ये देखिए, ये हमने इसमें और भी गुलाब के पंखुड़ियां ऐड किया है। अब देखिए, ये बिल्कुल लाल से व्हाइट हो गया है। ये रेड था पहले, ये रेड और पिंक, हल्का पिंक था, अब ये बिल्कुल इसने अपना कलर छोड़ दिया है पानी में, और ये बिल्कुल व्हाइट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी, पानी में आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत से एकदम ओरिजिनल है, ओरिजिनल गुलाब जल ये बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, खूबसूरत सा कलर आया है इसमें, शरबत जैसा लग रहा है। पी लो, अंदर से खूबसूरत हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब तक ये ठंडा होगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम आपको फिर से दिखाएंगे। अब रुक जाओ, स्टार्ट करो। तो ये देखिए, हम इसको अब छान लेते हैं। वाओ, कितना खूबसूरत सा कलर लग रहा है। वाओ, देखो जरा, ओ क्या बात है, कितना मस्त कलर लग रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी बनेगा। ये क्या लग रहा है? ये शरबत लग रहा है, ये गुलाब जल लग रहा है, क्या लग रहा है? इसके कलर तो देखो, गुलाब जल लग रहा है। तो इसको हम अब किसी भी एक सीसी में रख के, तो ये अगर तुम ये लगाओगे तो हम पिंक पिंक हो जाओगे। सीसी में रख के और इसको लंबे टाइम तक यूज करने के लिए हम फ्रीज का यूज करेंगे, फ्रीज में रखेंगे ताकि हम इसको लंबे टाइम तक यूज कर सके। ओके, और इसमें हवा ना लगे। जब भी हम दिन में 2 टाइम 3 टाइम जितना टाइम भी हो, हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉटन के साथ अपने फेस पे लगाओ, या फिर नहाने के पानी में भी अगर इसको आप मिक्स करोगे तो पूरी बॉडी से खुशबू ही खुशबू। अच्छा जी, आपका दिन सुहाना। क्या बात है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, जो घर पे हमने गुलाब जल बनाया है? आप भी घर पे ट्राई करें और अच्छा है। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।